मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दातिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर और चंबल की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सिंधिया ने आपकी चुनी हुई सरकार को गिराकर आपके साथ धोखा किया है। क्या है कि कदम थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में, हम यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों के, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत गुस्सा नाराजगी सब निकाल देते हैं, महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है, विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। इतना ही नहीं, दतिया में रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश की जनता से किए गए वादों को दोहराया। महिलाओं के लिए आपने सुना होगा कि प्रतिमाह 1500 रुपए सरकार आने पर हम दिलवाएंगे, गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए बनाएंगे। आज भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार धान के लिए 2400 से अधिक दे रही है, धान के लिए समर्थन मूल्य आपको 2400 मिलेगा। किसान के कर्ज माफ करने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया था जब सरकार बनी थी, फिर आप सबको मालूम है कि उसका क्या हुआ। उधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल में एक रैली की, इस दौरान उन्होंने लाडली बहना योजना का जिक्र किया। मेरी बहनों का बहुत दिन से सोच रहा था कि अपने बहनों के ये दर्द कैसे दुख कैसे दूर करूं, तो मुझे एक ही बात लगी कि शिवराज सीधे अगर बहनों के खाते में पैसा डाल देगा तो बहनों की जरूरत पूरी हो जाएगी और ये दुख दूर हो जाएगा, उनका अपना पैसा उनके खाते में आएगा, वो निकालेंगी और अपने घर का काम चलाएंगी। और इसलिए मैंने अपनी बहनों के नाम पर ही बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मध्य प्रदेश के चुनावी समर में कूद पड़े हैं। सीएम योगी ने मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। याद करिए, कांग्रेस के समय उद्योग नहीं लगते थे, लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार कार्य करेगी, तो भाइयों बहनों जेके सीमेंट जैसी नए नए उद्योग भी लगेंगे, और अब तो सुना है पन्ना में हीरे की खान भी प्राप्त हो गई है, और हीरे से यहां के लाखों लोगों को नए रोजगार सृजन की संभावना बनेगी। आपका जनपद भी समृद्धि को प्राप्त करेगा और मध्य प्रदेश भी समृद्धि की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस चुनाव में काफी सक्रिय नजर आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने जतारा विधानसभा में एक आम सभा को संबोधित किया। कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी की सरकारें बनाई, लेकिन यहाँ की आम जनता अभी भी दुखी है, हमारे किसान अभी भी गरीब हैं और मजबूरी में वो जीवन यापन कर रहे हैं। जो उनको मदद सरकार से मिलनी चाहिए थी, ये सरकार के लोग नहीं दे पाए। वो याद कीजिए समय जब बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम अपने किसानों की आय दोगुनी करेंगे। बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो या पैदावार की सही कीमत मिल गई हो तो हमें बताए किसान भाई। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 15 नवंबर की शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार थम जाएगा। वहीं 17 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी।